न्यूज द फेथ ऑफ पब्लिक जी न्यूज यानी कि ग्वालियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के समाचार। यादव महासभा का भी स्वागत करते हैं और जो यादवों के लिए काम करेगा हम उसका भी स्वागत करते हैं। जो पदाधिकारी होते हैं जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं उन पर जिम्मेवारी इसलिए ज्यादा बनती है क्योंकि समाज उनकी तरफ देखता है कि ये समाज के मुखिया हैं, इनके आभार का पूरा समाज एकत्रित होता है। तो उस समाज के मुखिया को चिंता करना पड़ेगी कि वो अपना वास्तव में हमारा व्यक्तिगत जीवन में तमाम सबके लोगों के काम रहते हैं, हम सबके काम रहते हैं, लेकिन उन कामों के अलावा हम समाज के प्रति पहली प्राथमिकता हमारी क्या है? क्या मेरा निजी कार्य है? क्या मेरा निजी, हम सब राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं और मुझे इस मंच से कहने में कतई संकोच नहीं है। हमारे राजनीतिक क्षेत्र की क्षेत्र में काम करने की प्रबल इच्छा होने के बावजूद भी हमको करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी बच्चे को आगे बढ़ाने का दायित्व अगर किसी का बनता है तो वो माता का बनता है। वो माता जो उस बच्चे जब चलना सीखता है तो उसकी उंगली पकड़ के चलता है। वो माता जब वो बोलना सीखता है उसकी माता के मुंह से आवाज जो आती है वो बोलना सीखता है। क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश के, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ग्रामीणों की स्थिति में गांव में जाता हूं तो गांव की माता बहनों की स्थिति क्या है हम सब लोगों को, क्योंकि हमारी सुषमा जी का कहना है कि माता बहनों को लाना चाहिए कार्यक्रम में भी लाना। भाइयों यदि सामाजिक कार्यक्रम में हम देखें तो सबसे अच्छा कार्यक्रम यदि कोई समाज के लिए हो सकता है तो वह प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम होता है। इससे श्रेष्ठ कोई कार्यक्रम में समाज के कार्यक्रम में नहीं मानता और मेरी कोशिश रहेगी कि हम हर जिले में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करें। आज यदि हम हमारे प्रतिभावान बच्चों का सम्मान करेंगे तो यही बच्चे कल हमारे समाज के कर्णधार, यही बच्चे ग्वालियर और हमारे मध्य प्रदेश के देश के कर्णधार होंगे। यदि हम इनका उत्साह बढ़ाएंगे, इनका हौसला अफजाई करेंगे तो ये कल हमारे शहर का और हमारे प्रदेश का, हमारे समाज का नाम रोशन करेंगे। आज देखिए मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, आज इस मंच पर एक बेटी को देखकर हमारी बेटी आकांक्षा यादव
जिन्होंने हमारे समाज का नाम रोशन किया। मैं पूरी महात्मा की ओर से बेटी आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसने ग्वालियर ही नहीं बल्कि भारत पूरे मध्य प्रदेश के समाज के लोगों का सिर ऊंचा किया। यदि हम इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन करेंगे, यदि प्रतिभा का सम्मान निरंतर होगा, उनकी हौसला अफजाई होगी, तो हमारी समाज में कभी भी, ये इतनी महान और इतनी बड़ी समाज है, इस समाज में कभी प्रतिभाओं की कमी नहीं आएगी। युद्ध शुरू हुआ, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई, अर्जुन और अर्जुन ने हथियार डालकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। जब अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान ने कहा, इन्होंने गांव गांव में जाकर नशे के विरुद्ध लोगों को शपथ दिलवाई, संकल्प दिलाया, इसकी आज हमारे समाज की नौजवान पीढ़ी को बचाने के लिए हमको बहुत बढ़िया आवश्यकता। हम ये कार्यक्रम हाथ में मंडलों जी के नेतृत्व में एक अच्छी शुरुआत हुई है, बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा एक दिन मुझे मेरे पास श्री दामोदर सिंह का फोन आया, उन्होंने कहा दादा आपसे हम आशीर्वाद चाहते हैं। मैंने तुम्हें कमी ऐसा आशीर्वाद रहा है, तुम्हें रहा है बिल्कुल बात करा नहीं, हम अपने संगठन के हमारे अध्यक्ष मंडलू जी बैठे हैं। आज का टॉपिक खास रूप से उनका सम्मान के नाम से आयोजित किया है। एक ही टॉपिक जो शिक्षा संगठन सत्ता पूरी किया अभी पढ़ाई पूरा हमें आयोजित किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं जो भी यहाँ जमा कर दी जाएंगे उन्हें और उनके हाथों से माताओं को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी प्रेरणा से उनके बच्चों को अच्छे नंबर मिले। यहाँ मौजूद प्रिय श्री कुमारी आकांक्षा यादव जो मौजूद है, स्कूल में तय दिल से स्नेह सम्मान और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। इन्होंने यादव का नाम बढ़ाया जो डिसीजन में आई, साथ ही यहाँ भावलाल यादव की आई की बच्ची भी ड्यूटी शिविर में आई है, वो नहीं आ पाई, उसे मैं स्नेह देना चाहता हूँ उनके पिता ही भावलाल यादव के द्वारा। होटल के बाद कहना नहीं चाहूँगा, मैं कह के थक गया हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते से बहुत ज़्यादा कई गाड़ियाँ हैं कि होटल है कि फैक्ट्रियाँ कहती है, मैं कह के थक गया कि होटल बनाए। और मैं उनसे ये भी कह चुका हूँ कि आप होटल की जमीन दीजिए, केवल पैसा नहीं दीजिए, पैसे की व्यवस्था तो मैं साथियों से लेकर करवा दूंगा, कमरे बन जाए, घोषणा की बात तो खत्म है। यहाँ तो मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ, तो माँ से जमीन लगा रहे हैं, कई लोग हैं यहाँ सोची मेरे पास है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ गुणा वगैरह, लेकिन मैं कह चुका हूँ तो होटल के बाद तुम कह नहीं चाहता नहीं, तो लोग घोषणा कर चुके हैं, लेकिन बहुत अधिक अच्छा रहेगा अगर बन जाए तो। भाई हमारे मंडलो जी ने कहा है मंगल भवन की बात हमें बताई, बहुत ही अच्छा सुझाव है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम मेरे लिए उन्होंने बता रहे हो। मैं उनसे सिर्फ एक अनुरोध करना चाहता हूँ, मंगल भवन के साथ ही आज हम बच्चों को प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने तो आए हैं, लेकिन उनको कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, कैसे आगे बढ़े, उसके लिए मैं एक सुझाव लाना चाहता हूँ। जो संपन्न वर्ग के लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं जिनके बच्चे इंटेलिजेंट है, वो तो आराम से आते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं, सम्मान मिल जाता है, सीट मिल जाती है, सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। तो शिक्षा वाली बात, सम्मान मिल जाएगा कोई या नहीं, अच्छे नंबर आएंगे मिल जाएगा। आप मंडलों ये करें, हर जिले में जो जिला अध्यक्ष हैं आपने बनाए और जिला की कारखाने बनाई है, उनसे कहें तो वो एक कोर्स बनाए उसी जिले के लिए, तो जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं प्रतिभा शादी जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे दें, किताबें दें, उनको सुविधाएँ अर्जित कराएँ,
भवन तो बन जाएगा यदि शिक्षा में हमारे बच्चे अच्छे जाएंगे, आईएएस आईपीएस या हम भर जाएंगे तो 50 मन भवन बनवा लेंगे। तो कैसे बने इसके लिए यहाँ पे कोर्स बनाए ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। शायद इसी लाइन का आप थोड़ा काम करें, मन भवन के साथ में कोर्स की व्यवस्था भी करें। छात्रावास के लिए तो यहाँ के धंधा जाने के आप क्या लोग मैं दो चार लोगों का नाम बता दूँ ना, वही बनवा देंगे जब कोई छात्रा। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ दूसरा टॉपिक चुनौतियों के बारे में। निश्चित रूप से समाज में जो संपन्न हो जाता व्यक्ति, तो आजकल के नौजवान तो ऐसा जमानत खास चल रहा है नशे की आग पड़ जाती है, या शराब की आग पड़े या अन्य नशे की आग पड़े, वो तभी उनको दूर रखना चाहिए बच्चों को और कोशिश करना चाहिए कि वो किसी ढंग से इन बुरी हाथों से बचें। तो साथ ही में घटना सुनाना चाहता हूँ, या ध्यान ग्वालियर संभाग में खासतौर से चंबल और ग्वालियर संभाग में गुर्जर समाज ने एक गुर्जर माता के कहने से यहाँ जो भी प्रवृत्तियाँ शादी ब्याह की हों या अन्य हों तो सारी के सारी छोड़ा दी है, केवल एक गुर्जर बाबा। तो हम चाहते हैं यादों में एक गुर्जर बाबा के बजाय हमारे मंडली बाबा अपनी टीम से देखें कि एक व्यक्ति जितनी भी है वो छोड़ा दी जाएंगे सम्मान करेंगे। ग्वालियर द्वारा आज एक बच्ची का सम्मान किया गया है जिन्होंने की सिविल परीक्षा में जज की लिए नियुक्ति की गई है, आइए उनसे बात करते हैं। आज आपको आपके समाज के द्वारा सम्मान किया गया है। उन्होंने भी नौकरी प्राप्त की है, फीमेल के यादव इस सफलता को पाना है, आपकी कितनी मेहनत है? मेहनत तो करनी पड़ती है, आई मीन डेडिकेशन सबसे ज़्यादा होता है। मेहनत तो सब करते हैं लेकिन डेडिकेशन के साथ रहते हैं, वो मेन मटेरियल वो मेन चीज़ और उसके साथ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और पेशेंस इसी तरह हम निकल रहे हैं। मेरा मन लोग में लाइक था रहे तो थोड़ा सा हमें थोड़ा समय है समाज विजय जी यादवपुर खुला है। आप विजय जी समाज विधायक जी को थोड़ा रोके, दुनिया का भी सम्मान है जो बाहर से आए हुए दुनिया का भी सम्मान है। यादव मेरा मोहसी माधव ने अनुरोध है जरा अपनी किताबों को बीचने से हटा ले। मैं मंत्री से अनुरोध करूंगा, मैं मंत्री से अनुरोध करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।